विद्यार्थियों, इंटरमीडिएट में यह लेटर आया है, कंप्लेनिंग लेटर है। देखिएगा किस तरीका से पूछा गया कि सपोज यू आर शिवा, मान लीजिए आप शिवा हो, राइट अ लेटर टू द न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम ऑफ इंडिया। टाइम ऑफ इंडिया के न्यूज एडिटर को एक पत्र लिखना है, कंप्लेनिंग शिकायत करना है अगेंस्ट द पुअर सप्लाई, यानी कि बहुत ही कम सप्लाई होती है, आपूर्ति होती है ऑफ वाटर इन योर लोकलिटी, यानी आपके मोहल्ले में पानी की बहुत ही कम आपूर्ति होती है, इसके खिलाफ आपको एक कंप्लेनिंग लेटर लिखना है न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम ऑफ इंडिया के नाम, ठीक है। और आप हो शिवा, क्या हो आप, शिवा हो, तो किस तरीका से लिखेंगे आप ताकि आपको पूरा 10 का 10 नंबर मिल जाए। तो आप लिखेंगे पहले टू, क्या लिखेंगे टू, इसके बाद देखो यही से लिखना है द न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम ऑफ इंडिया, तो यहाँ लिखिए द एडिटर ऑफ द टाइम ऑफ इंडिया, इसके बाद लिखिए कानपुर यूपी। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट किसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे अ लेटर या कंप्लेनिंग लेटर, कंप्लेनिंग लेटर अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, ये लिख दो। देखो इस तरीका से लिखना, कंप्लेनिंग लेटर अगेंस्ट पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, इस तरीका से आप सब्जेक्ट लिखेंगे, कंप्लेनिंग लेटर अगेंस्ट पुअर सप्लाई ऑफ वाटर। इसके बाद आप लिखिए यहाँ पर सर, क्या लिखेंगे सर, कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा के नीचे से लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से। यहां तक तो सभी से बन जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी किसी को, यहां तक तो बिल्कुल सभी से बनेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, लिखिए आगे कि अपने बारे में, दैट की, अपने बारे में छोटा सा सेंटेंस बनाए कि मैं जैतपुर में रहता हूं, आई लिव एट जैतपुर, आई लिव एट जैतपुर, यह एक बड़ा कस्बा है, इट इज अ बिग टाउन, टाउन मीन्स क्या होता है कस्बा, इट इज अ बिग टाउन, यह एक बड़ा कस्बा है, ठीक है। लेकिन तो आप लिखेंगे वट, लेकिन मतलब वट, बट यहाँ पर पीने वाले पानी की बहुत समस्या है, तो आप लिखेंगे देयर, देयर इज मच प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, हेयर, हेयर मतलब यहाँ, देयर इज मच प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हेयर, यहाँ पीने वाले पानी की बहुत समस्या है, ठीक है, और पानी की सप्लाई कम है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एंड और देयर इज द, यही से लिख द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकलिटी लिखा है, यहां पर लिख दो इन माई लोकलिटी, इन माई लोकलिटी। अब क्या करना है, अब आप लिखेंगे कि मैंने इसकी शिकायत की, क्या लिखोगे, मैंने इसकी शिकायत की, तो आप लिखना आई कंप्लेन, कंप्लेन किस प्लेन ऊपर मिल जाएगी आपको, आई कंप्लेंड इट मैनी टाइम, मैनी टाइम मतलब कई बार, आई कंप्लेंड इट मैनी टाइम, मैंने इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन अधिकारी
कुंभकर्ण की नींद सो रही है, बट लेकिन ऑफिसर्स आर स्लीपिंग, ऑफिसर्स आर स्लीपिंग एज कुंभकर्ण, कुंभकर्ण ठीक है, ऑफिसर आर स्लीपिंग एज कुंभकर्ण, अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, ठीक है। अब आपको लिखना है प्लीज, क्या लिखना है प्लीज, तो आप यहां से लिखेंगे कॉमा के नीचे प्लीज पब्लिश, पब्लिश मीन्स संपादित करके छापिए दिस न्यूज, दिस न्यूज इन योर न्यूज पेपर, न्यूज पेपर यानी कि मेहरबानी करके इस खबर को अपने अखबार में छापिए, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तो आप लिखिए आई हैव नॉट ओनली, नॉट ओनली होप बट आल्सो फुल फेथ दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, इस तरीका से आप लिखिए। यहां लिखेंगे आप प्लीज के ही नीचे थैंक यू सर, क्या लिखेंगे थैंक यू सर कॉमा लगाइए। अब लिखिए डेट, क्या लिखेंगे डेट, जिस तारीख को आपने शिकायत पत्र दिया है उसका डेट डालेंगे। यहां लिखेंगे फेथफुली, क्या लिखेंगे फेथफुली, सेवा क्या दिया गया था सेवा, सेवा ऐसे ना एक्स वाई जेड नहीं लिखना है, अब आपको लिखना है फेथफुली में सेवा, क्या लिखना है सेवा। तो देखिएगा इस तरीका से एप्लीकेशन अगर आप लिखोगे तो 10 नंबर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है चलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिल जाए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ करता है, ठीक है। इस तरीका से आप इसको एक बार और पढ़ लें, आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन याद हो जाएगा, ऐसे ही लिखना है। धन्यवाद।